मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। ये वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दोबारा भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये वही सीट है जहां मध्य प्रदेश में एक लौता गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। यहां इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से पूर्व विधायक मीरा यादव को प्रत्याशी बना दिया है। मीरा यादव मध्य प्रदेश की ही निवाड़ी से विधायक रह चुकी हैं। उनके पति दीप नारायण यादव उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं और मध्य प्रदेश के सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। दीप नारायण यादव अपनी पत्नी के इस चुनाव में पूरी दमखम से जुट गए हैं। सपा प्रत्याशी ने खजुराहो में स्थानीय कार्यकर्ताओं से बैठक करते हुए उनमें भी जान फूकी और इस मौके पर मीडिया से भी चर्चा की। सपा प्रत्याशी की ओर से चुनाव की कमान संभालने वाले दीप नारायण यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, उनके फैसले आम आदमी की जिंदगी को नहीं बदल रहे हैं। सरकार के दोहरे मापदंडों के कारण प्रदेश के किसान, गरीब और दलित परेशान हैं। उन्होंने कहा यह चुनाव आम जनता का चुनाव है और इस चुनाव में लोग इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। सुनिए सपा के नेता दीप नारायण यादव ने खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से क्या कहा। किसी को बनने की लड़ाई नहीं है, मसला है कि बनने वाले लोग जो आवाम है उसको बनाने की क्या योजना लेकर आ रहे हैं। हमें किसी से झगड़ा नहीं है, पर शिकायत उससे होगी जिसको जनता ने ज्यादा मौका दिया है। जनता ने जिन्हें 20 साल दे दी सरकार उत्तर प्रदेश की बनाकर, देश की सरकार भी लंबा समय हो गया। बातें बड़ी कही जा रही हैं पर गांव में गरीबी बड़ी है, कर्जा बड़ा है गांव में। इतने सालों के बाद अच्छा स्कूल नहीं है। समाज को बढ़ाने, देश को बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। गरीबों, किसान, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई तक, मास्टर तक रुक नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि बातें की जा रही हैं, धोखा मिल रहा है लोगों को। और फिर एक मौका है जब आपके फैसले आपके लोगों की, आपके परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। आपको किसी सरकार की मेहरबानी जरूरत नहीं है, सरकार के पास कोई दफीना नहीं है। सरकार के पास जो पैसा है बजट में, चाहे देश की सरकार का 47,000 करोड़ का बजट हो या प्रदेश की सरकार का 3,00,000 करोड़ से अधिक का बजट हो, ये मेहनत होने अपने जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, जिंदगी में, राजनीति में जब से हैं, जब भी मौका मिला है बेहतर काम किया है, बांध बनाए, सड़कें बनाई, और व्यक्तिगत जिंदगी में भी कोशिश की कहीं समरसता बढ़े। आज से 20 साल पहले फैसला लिया कि गरीब की बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे और 1,000 बेटियों की शादी की। जीवन में 1,00,000 से 1.5 लाख आदमी को बुलाकर शादियाँ की। महागठबंधन जिम्मेदारी व्यक्ति के स्वभाव की है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जाति नफरत से लोग बाहर निकलें। भगवान ने हमें सिर्फ इंसान बनाया, जाति हमारे पुरखों ने बनाई, नफरत के लिए नहीं बनाई थी, एक दूसरे की मदद के लिए बनाई। टारगेट हमने हमेशा कहा कि कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए लोगों को। वो जो परेशान है उनकी परेशानी बता रही है, घबराहट है, वो कह रहे हैं कि हम 400 जीत रहे हैं, 400 जीतने के बाद भी दो दो मुख्यमंत्री जेल जाने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी लग रही है, जनता का रुख समझ में आ रहा है। हमने कहा कि हम लोग तो ये बात मानते हैं कि जनता बहुत समझदार है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, स्कूल नहीं मिल पाए, पीढ़ी नहीं पढ़ पाई, बर्बाद हो गए, पर अपना हित अहित भी जानते हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे नाम पर GST वसूल हो रही है, 3 महीने में 1.5 लाख करोड़ की वसूली और ताली बजा रहे लोग, पत्रकार भी नहीं बोल रहे हैं। जिनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, इसके भरोसे के साथ संविधान में जगह मिली थी कि जब तीनों डगमगा जाएंगे तो चौथा संभालेगा, पर चौथा भी नहीं संभाल पा रहा है। अगर चौथा संभाल लेगा तो समझ जाएगी स्थिति, अभी कुछ बदलने बदला नहीं। देखिए, किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कहा सकता है, कोई भी जा सकता है, आ सकता है, किसी पर कोई रोक नहीं है। व्यक्ति के अपने विचार हैं, अपनी कोशिश है, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गरीबों को आगे बढ़ाया है तो जा सकते हैं, और उन्हें लगता है कि गरीबों को धोखा दिया है, बेईमानी की है, फिर जा रहे हैं तो फिर वो भी धोखे में शामिल होने जा रहे हैं। उनके पैसे से उन पर मेहरबानी नहीं दिखाई जा सकती, उनके पैसे से उनकी ज़िंदगी बदली जा सकती है। ये लड़ाई है राजनीति में। हम समाजवादियों की हमेशा कोशिश रही है कि बजट का 70% पैसा गाँव पर खर्च होना चाहिए। जहाँ तक हम लोगों के गठबंधन का सवाल है, तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस देश में आप कांग्रेस के इतिहास को निकालेंगे तो इस देश में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी जड़ें कांग्रेस से न जुड़ी हैं। किसी के पिता होंगे, किसी के परदादा होंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ जब लोग खड़े हुए तो देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, लोगों ने साथ दिया, देश को बनाने का काम किया, और देश को जरूरत पड़ी तो अपनी कुर्बानी देकर उनका साथ निभाने की कोशिश की है। इसलिए गौरवशाली इतिहास है कांग्रेस का भी,
वही समाजवादियों के कुछ सिद्धांतों लड़ाई बनी भी रही, लेकिन कभी कोई मौका ऐसा आया है देश में राजनीति में जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो समाजवादियों ने हमेशा साथ दिया है। लोग उम्मीद पालते हैं कि कोई जीतेगा तो हमारी ज़िंदगी बदलेगी, पर बदहाली मिली है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, गठबंधन के साथ हैं। देश भर में समर्थन मिल रहा है, किसान मजदूर सब वर्गों का साथ मिल रहा है। बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं आपके सामने हैं, महारानी साहब बैठ खड़ी हैं। बता दो आसपास के 500 किलोमीटर दूर पूछो किसी से, क्या महाराज साहब ऐसा कोई काम कर सकते हैं?